आपका स्वागत है भाइयों। और याद क्या होने वाला है, देखियो, एक तो पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन के विजेता पुरुष एकल और डबल वाले भी, आप चिंता मत करो, और फ्रांस ओपन के, विंबलडन के, अमेरिकी ओपन के, ठीक है, आपको सब याद होगा, बस वीडियो ध्यान से देखनी पड़ेगी और सुननी पड़ेगी। अच्छा, खास बात यह है कि खाली स्टैटिक जीके ही नहीं है, करंट के भी ट्रिक्स हैं और स्टैटिक जीके की भी ट्रिक हैं। वीडियो थोड़ी लगभग 7-8 मिनट की हो जाएगी, लेकिन काम आपके दोनों बन जाएंगे। एक तो 2019 तक की जो परीक्षाएं आएंगी तो यही ओपन पूछे जाएंगे आपसे, युगल का, मिश्रित युगल का या कुछ का भी, तो एक तो वो याद हो जाएंगे आपको और एक ये स्टैटिक जीके याद हो जाएगी, ठीक है। जिन लोगों ने हमारी किताब पढ़ ली है, जीके ट्रिक्स पार्ट 2 में दी हुई है ये वाली ट्रिक। अगर देखो, सबसे बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन के विजेता याद रखने हैं पुरुष के और महिला के, फ्रेंच ओपन के पुरुष के और महिला के विजेता याद रखने हैं, विंबलडन के पुरुष के और महिला के विजेता याद रखने हैं, और युगल पुरुष महिला भी याद रखनी है। तो सबसे पहले वर्ष में इनका क्रम क्या है ये आप याद कीजिए। तो इसके लिए ट्रिक थी, आ फ्रांस विंबलडन अमेरिका में खेलें या ओपन करें, आ फ्रांस विंबलडन अमेरिका में ओपन करें, ये इस वाली किताब की ट्रिक्स है। इसमें अगर आप जीके ट्रिक्स भाग 2 में दी हुई है, भाग 4 में दी हुई है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, और जिन लोगों ने पढ़ लिया उनको तो ये याद ही होगा, ठीक है। और आगे की बात आप ये समझते हैं, तो वर्ष में सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, दोबारा समझते हैं, आ फ्रांस विंबलडन अमेरिका में खेलें, आ ऑस्ट्रेलियाई ओपन सबसे पहले साल में कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रांस फ्रेंच ओपन होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद, फिर इसके बाद विंबलडन हो गया, अभी विंबलडन होता है तीसरे नंबर पे, और सबसे अंत में होता है अमेरिकी ओपन। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2018 जीता है किसने, रोजर फेडरर ने पुरुष एकल में, और कैरोलिना वोनियाकी ने। अब समस्या हो गई, देखो चार तो ये हैं, चार विनर ये वाले, चार विनर ये वाली, अब हो गए 12, और 12 एक दूसरे से मैच खाएंगे, तो वो मैं आपको याद कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता, रोजर फेडरर में पुरुष एकल में, और महिला में कैरोलिना वोनियाकी, या वेनिया की कहीं कहीं लिखा हुआ है, बनिया की, ठीक। फ्रेंच ओपन जीता है राफेल नडाल ने, और सिमोना हालेप ने महिलाओं में जीता है, ठीक है, और विंबलडन नोवाक जोकोविच और एंजेलिका कर्बर ने महिलाओं में जीता है। अब खास बात, चाहे पुरुष युगल ले लेना, चाहे महिला युगल ले लेना, इन छहों के नाम आपको कहीं नहीं मिलेंगे। न तो, अब आप देखिए ऑप्शन से आप प्रश्न हल कर सकते हैं, न तो सिमोना हालेप का नाम किसी में जोड़ना, न एंजेलिका कर्वर का, न कैरोलिना का, न रोजर फेडरर का, न राफेल नडाल का, न नोवाक जोकोविच का, ये छहों नाम आपको पूरी किसी भी युगल में नहीं मिलेंगे, अगर युगल वाला भी प्रश्न आ जाए तो। पहले आप ट्रिक कैसे काम करेगी ये समझिए। आप एक लड़की है सिमी नाम की, सिमी उम्र में छोटी है, उससे आप कह रहे हो बेटा रोज अगर तुम रफ करोगी तो, ये रफ माने मिटाना, रोज रफ करोगी तो एंजल आएगी तुम्हें डांटेगी बेटा, ठीक है। ट्रिक क्या है, रोज रफ जब करोगी सिमी, रोज रफ जब करोगी सिमी, एंजल डांटेगी रोज। तो सबसे पहले हमने ये याद कर लिया था कि सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, किसने जीता है, रोज, रोजर फेडरर, ठीक है, रोज रफ राफेल नडाल, बस वर्ष में दूसरा कौन सा होता है, फ्रेंच ओपन, किसने जीता है, राफेल नडाल ने, जब जोकोविच, जोकोविच ने क्या जीता है, विंबलडन, अमेरिकी ओपन अभी हुआ नहीं है, आ जाएगा तो इसका भी मैं एडजस्ट कर दूंगा, वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक। करोगी, करोगी पहली महिला का नाम आया, कैरोलिना वोनियाकी, कैरोलिना करोगी, कैरोलिना वोनियाकी, ठीक है, क्या जीता है इसने, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, सिमी, रोज रफ जब करोगी सिमी, सिमी से मतलब सिमोना हालेप, सिमोना हालेप दूसरे नंबर पे आ रही है, तो दूसरे नंबर पे क्या होता है वर्ष में, फ्रेंच ओपन। देखो भाई साहब, ये प्रश्न ऐसे भी आता है, निम्न ओपन्स को वर्ष के अनुसार, वर्ष में होने के क्रम के अनुसार, क्रमानुसार लगाइए, ये भी पूछा जा चुका है, तो ये भी याद करना जरूरी है, फिर इसके विजेता भी याद करना जरूरी है। इसी बीच में आपको ये बता दूं, अच्छा एक बात आपकी बड़े भाई साहब ये जरूर है कि ट्रिक कैसी लग रही है, वो लाइक कमेंट शेयर करने के कोई पैसे नहीं लिखते, क्या मैं आपकी थोड़ी भी मदद कर पा रहा हूं, वो मुझे आप थोड़ा लिख के बता देंगे, कमेंट कर देंगे तो आपका एहसान रहेगा, और इसके कोई पैसे नहीं है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और जिस विषय पर आपको ट्रिक चाहिए वो मुझे आप बता दीजिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। इतनी किताबें मेरी पब्लिश हैं अभी, अर्थशास्त्र ट्रिक्स, विज्ञान ट्रिक्स, संविधान ट्रिक्स, भूगोल ट्रिक्स, इतिहास ट्रिक्स,
और हिंदी प्लस बाल मनोविज्ञान की ट्रिक्स हैं, अंग्रेजी ट्रिक्स, राजस्थान ट्रिक्स का फ्री में पीडीएफ है, राजस्थान वाले जो लोग हैं वो ले सकते हैं फ्री में, ये दो नंबर मैं दे रहा हूँ इन पे व्हाट्सअप करके, वैसे ही उत्तर प्रदेश ट्रिक्स का फ्री पीडीएफ है, इन दो नंबरों पे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, करंट ट्रिक्स की वीडियो ले सकते हैं, यूपी टेट की टेस्ट सीरीज तैयार हो गई है इसे आप ले सकते हैं, बहुत सस्ती है, 20 रुपए पर टेस्ट मिल जाएगा आपको, उत्तरमाला सहित मतलब आंसर सीट भी डिस्क्रिप्टिव है, गणित ट्रिक्स की किताबें मिल जाएंगी 3 आपको, अंग्रेजी ट्रिक्स की किताबें मिल जाएंगी 3 आपको, एक बार पढ़ लीजिए, और हाँ संविधान की तो मैं गारंटी लेता हूँ, या लोक प्रशासन विषय के साथ जो पीसीएस या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वो इन ट्रिक्स को जरूर पढ़ लें, बहुत 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 मदद मिलेगी। आप व्हाट्सअप कीजिए, हेलो लिख के भेज दीजिए 9972947417444 पर। तो एक उदाहरण में आपको अपनी भूगोल वाली ट्रिक है उसका पहले इतिहास वाली की देता हूँ, प्राचीन इतिहास का, ये है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत गुरु रंग में लोचा है, और पेज नंबर आपको मिलेगी 21 पर यूपीएससी ट्रिक्स पार्ट 1 में, तो इसे आप ध्यान से देखिए, गुरु रंग में लोचा है, गो गुजरात में स्थित है, क्या रंगपुर सभ्यता स्थल, रंग रंगपुर सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है, गुजरात में, रंगनाथ राव, रंग से ही रंगनाथ राव, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी, लो लोथल, लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में, चा चावल के दाने वहां से मिले हैं, दोबारा सीखते हैं, ओ गुरु बोल देते हैं किसी से, रंग में तो कोई लोचा लग रहा है, कहानी में कोई लोचा लग रहा है, ठीक है, गुरु रंग में लोचा है, गुरु गुजरात, रंग रंगपुर सभ्यता स्थल, रंगनाथ राव, लो लोथल, चा चावल, तो देखो लोथल और रंगपुर दोनों सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है, पहले तो ये प्रश्न तैयार हुआ, गुजरात में, दोनों सभ्यता स्थल की खोज किसने की थी, रंगनाथ राव ने, और लोथल से हमें चावल के प्रमाण मिले हैं। चैनल आप प्लीज भैया सब्सक्राइब कीजिए, आगे की वीडियो में अभी और आगे बता रहा हूं, एक उदाहरण मैंने आपको इसमें अपनी पुस्तक का और दिया है, ये है गर्म जलधाराएं याद रखना, युक्ति संख्या भूगोल की 4 है, गर्म उंगली मौज में है, और पेज नंबर 7 पे मिल जाएगी आपको, विश्व भूगोल के अंतर्गत है ये, गरम एक बड़ा कंफ्यूजन होता है, गरम जलधाराएं कौन सी हैं, ठंडी जलधाराएं कौन सी हैं, निम्न में से कौन सी, हिंद महासागर की जलधारा है, प्रशांत महासागर की जलधारा है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्या बहुत कुछ यहीं से दूर हो जाएगा, ठीक है, समझिए गरम का मतलब गरम जलधाराएं हैं, उंगली उंगली हास की जलधारा एक गरम जलधारा है, मौज मोजाम्बिक की जलधारा एक गरम जलधारा है, मैं मेडागास्कर की जलधारा एक गरम जलधारा है, हिंद महासागर की ये तीनों जलधाराएं हैं, क्या याद हुआ, 3 तो गरम जलधाराएं याद हो गईं और 3 हिंद महासागर की जलधाराएं याद हो गईं, अब इसे समझते हैं, रोज रफ जब करोगी सिमी एंजल डांटेगी, एंजल आएगी वो आपको डांटेगी बेटा सिमी, रोज का मतलब रोजर फेडरर, रफ का मतलब राफेल नडाल, जब का मतलब जोकोविच, तीनों के हमें विजेता याद हो गए हैं, एक बार आंख बंद कर लो और एक बार बोल के देख लो, रोज रफ जब करोगी सिमी एंजल डांटेगी, करोगी कैरोलिना वोनियाकी ने क्या जीता है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, सिमी सिमोना हालेप ने क्या जीता है, देख लीजिए फ्रेंच ओपन, बंद करके आंख का बंद करके भी बता पाएंगे, और एंजेलिका करबर, खास बात यह जर्मनी की है एंजेलिका करबर, 30 साल बाद ये विंबलडन को जीतने में सक्सेस हुए जर्मनी, ठीक है, चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिस विषय पर आपको ट्रिक चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए इन दो नंबरों पर, किताबों के लिए ये किताब है भाई साहब, यूपीएससी पार्ट 1, यूपीएससी पार्ट 2 और जीके ट्रिक्स के नाम से 4, आप पढ़ लीजिए एक बार, जिंदगी भर आपको जनरल नॉलेज याद रहेगी, 10 साल का बच्चा भी याद रख सकता है, हैव अ नाइस डे, बाय।